आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राष्ट्रीय हिंदी न्यूज पर, और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर गाजीपुर जनपद के काशिमाबाद तहसील मुख्यालय पर पूर्व गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन गोलोकोश्वासी महंत अवधेशनाथ जी की पुण्यतिथि मनाई गई। बता दें कि विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति के आह्वान पर पूर्व गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन गोलोकवासी महंत अवधेशनाथ जी के पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत गाजीपुर जनपद में मुख्य कार्यक्रम कासिमाबाद तहसील मुख्यालय पर वैभव पैलेस में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रमुख समाज सेवी देवेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य वक्ता आजमगढ़ मंडल प्रभारी मनोज कुमार श्रीवास्तव, तो और वहीं विशिष्ट अतिथि आशुतोष सिंह जिला अध्यक्ष मऊ रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राकेश सिंह ने की। सनातन धर्म पर टिप्पणी करना मेरे ख्याल से गलत होता है। धर्म सिर्फ एक ही है। धर्म सिर्फ हिंदुस्तान में जब बच्चा पैदा होता है वो सिर्फ हिंदू बनकर ही पैदा होता है। धरती पर आने के बाद सनातन धर्म पैदा होता है। धरती पर आने के बाद उसको अन्य जगहों पर से जो है कन्वर्ट कराया जाता है, विभाजित कराया जाता है। या मुस्लिम धर्म के हैं आप, ईसाई हैं आप, तमाम तरह के, या जो है एक प्रकार से कहा जाए जो गॉड ने दिया है, जो गॉड गिफ्ट मिला हुआ है सनातन धर्म को मिला है। बाकी यदि कोई धर्म नहीं है, ये पंथ हो सकते हैं, धर्म नहीं हो सकते। जब ये संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त हो जाएगा तो कोई इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। और आज भी UNO में कोई अगर मामला उठाना होता है, चाहे RSS का हो चाहे किसी हिंदू संगठन का, किसी के बैनर के तले वो उठाया जाता है, तो पूरे विश्व में 57 देशों में इसकी शाखा है और इसी के माध्यम से हम इसको उठाते हैं विश्व स्तर पर। और इस पर कोई प्रतिबंध, कोई भी सरकार इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। वो ये भी एक कारण था जिसकी स्थापना हिंदू महासंघ की। तो इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।